हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल फार्मा ज्ञान। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोक्लेव चेंबर लीक टेस्ट और वैक्यूम लीक टेस्ट VLT इन ऑटोक्लेव क्वालिफिकेशन एंड रूटीन साइकिल्स। फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो वॉट इज वैक्यूम लीक टेस्ट? वैक्यूम लीक टेस्ट और चैम्बर लीक टेस्ट, अ टेस्ट कंडक्टेड टू इवोल्यूट पॉसिबल एयर इनफिल्ट्रेशन टू द चैम्बर अंडर वैक्यूम। द एयर लीकेज टेस्ट इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट डेट द क्वालिटी ऑफ एयर लीकेज इन टू द स्टेरिलाइजर चैम्बर ड्यूरिंग द पीरियड सो वैक्यूम डजेंट एक्सीड अ लेवल डेट विल इनहिबिट द प्रो पेनिट्रेशन ऑफ स्टीम इन टू द स्टेरिलाइजर load and will not be potential cause of recontamination of the sterilizer load during drying. So vacuum leak test क्या होता है कि आप किसी भी chamber की integrity को check करने के लिए उसमें vacuum apply करते हो एक predefined level तक और उसको कुछ time के लिए hold करते हो। अगर उसमें बाहर से air chamber के अंदर जा रही है और vacuum का pressure कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है, वैक्यूम कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपके चैम्बर में लीकेज है, कहीं ना कहीं गैस्केट्स या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस हैं कहीं ना कहीं से एयर अंदर आ रही है। और वैक्यूम लीक टेस्ट हम क्यों करते हैं? तो वैक्यूम लीक टेस्ट करने का एक मेजर रीज़न है कि जब भी हम कोई स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसमें एयर का प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर एयर प्रेजेंट रहेगी तो जो स्टेरिलाइजेशन होता है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा और जो एयर बबल्स और एयर्स होती हैं उससे इनइफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन होगा। लीक रेट, लीक रेट इज द क्वांटिटी ऑफ एयर लीकेज ओवर द टाइम इनटू द स्टेरिलाइजर चैम्बर चैम्बर obtained while performing a chamber leak test. The leak rate should not exceed a level that will inhibit the sterilization process during air removal or vacuum driving stages. तो leak rate क्या होता है कि एक quantity होती है, predetermined quantity, कि एक fixed time में इससे ज़्यादा leakage नहीं होना चाहिए या फिर जैसे 0.001 bar से पर मिनट या पर 10 मिनट से ज़्यादा का लीकेज नहीं होना चाहिए। ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये कोई लिमिट्स नहीं है। तो ऐसा गाइडलाइंस में भी डिफाइंड है लिमिट्स, वो लिमिट्स और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं कि वैक्यूम लीक टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है। सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? सेलेक्ट द रेसिपी फॉर वैक्यूम लीक टेस्ट इन HMI ऑफ equipment autoclave and perform the vacuum leak test. After qualification or after completion of VLT vacuum leak test cycle, check the pressure drop as per acceptance criteria. तो जो procedure है वो simple सा होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपका chamber जो है chamber का door close करना है और HMI से जो भी आपकी vacuum leak test की recipe आपने design की हुई है, develop की हुई है, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में उसको रन करना है। जैसे ही आप रन करोगे आपका वैक्यूम लीक टेस्ट ऑटोमेटिकली ऑटोक्लेव में स्टार्ट हो जाएगा और जब साइकिल कंप्लीट होती है तो आपको प्रिंट आउट से वेरीफाई करना है कि कितना लीकेज उसमें डिटेक्ट हुआ है। सो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नॉट मोर देन 0.013 बार फॉर 3 10 मिनट्स ऑफ होल्ड पीरियड। तो जो जनरल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो 0.013 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 10 मिनट के होल्ड टाइम में। एज पर EN 285/2015 द रेट ऑफ प्रेशर राइज सेल बी विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स एंड इन एनी केस सेल नॉट बी ग्रेटर देन 0.13 पास्कल KPa पर मिनट 1.3 mbar पर मिनट। EN 285/2015 के अकॉर्डिंग जो प्रेशर राइज का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, मतलब वैक्यूम लीक टेस्ट
का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो 0.13 किलो पास्कल पर मिनट और 1.3 एम्बर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इससे कम होगा तो चलेगा, लेकिन अगर इसके बियॉन्ड में जाता है तो वो फेल है। जो भी रेफरेंस गाइडलाइंस हमने यूज़ किया इस वीडियो को बनाने के लिए, द रेफरेंस गाइडलाइंस EN 2852015। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा ज्ञान। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान।